नमस्कार, मैं आशुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध ठहराने के बाद पाकिस्तान जहां बौखलाया हुआ है, वहीं चीन ने पहले तो चुप्पी साधी थी, लेकिन पाक की प्रतिक्रिया के बाद चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी, जिसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। चीन ने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और द्वीपक्षीय समझौते के जरिए शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जाना चाहिए। इसी बीच पाकिस्तान की सरकार अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पहुंच गई है, जहां उसे भारत से करारा जवाब मिला है। वहीं चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का उल्लंघन है। माना जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इसीलिए अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का जिक्र किया है। इस बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उठाया है, जहां उसे भारत से करारा जवाब भी मिला है। भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान के मानवाधिकारियों के मंच के गलत इस्तेमाल करने की निंदा करते हैं, जिसने जम्मू कश्मीर का गैर अनुचित जिक्र किया। भारत ने यह भी कहा कि इसके बजाय पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद करवाए और भारत की जमीन के अंदर सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाए। इस मुद्दे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत को कश्मीर के दर्जे को एक तरफा तरीके से बदलने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान ने यह तक कह दिया कि वह इस पूरे मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामिक देशों के संगठन OIC तक ले जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो इस मामले में पाकिस्तान से ज्यादा भारत को चीन से खतरा बढ़ते जा रहा है। चीन ने भारत के 370 को हटाने के फैसले के बाद लद्दाख के गलवान में खूनी हमला किया था। इस हमले में भारत और चीन दोनों के ही सैनिक मारे गए थे। चीन का दावा है कि लद्दाख उसका इलाका है, जबकि खुद उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है, जो भारतीय इलाका है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।